हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नसीर व्लॉग यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि हमारी टाटा टियागो जो है वो रियल माइलेज और इसके जो डिस्प्ले में शो करती है MID में, वो दोनों में कितना का डिफरेंट है। जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ रिफ्यूल कराने के लिए आपको बताया जा रहा है, और यह कार जो है आई थिंक डिस्टेंस टू एम्प्टी जो है इसका वो अभी शो नहीं कर रहा है, चूंकि रिफ्यूल करने के लिए बोल रहा है। इस कार में ऑलमोस्ट तेल खत्म हो ही चुका है और अभी हम जा रहे हैं फ्यूल पंप पे। जब मैंने लास्ट टाइम इसमें रिफिल कराया था, टैंक फुल कराया था, तो उस टाइम से ये ट्रिप ए जो है आप देख पा रहे होंगे, ट्रिप ए मेरा जीरो हो गया था। एक मिनट थोड़ा और जूम करते हैं। ये ट्रिप ए जो है मेरा वो जीरो किया गया था। तो जब फुल टैंक कराए थे इसको तो 567 किलोमीटर जो है मेरा अभी तक रन किया है ये कार, और इसका जो अभी माइलेज MID में शो कर रहा है वो 19.4 किलोमीटर पर लीटर का शो कर रहा है। और जब डिस्टेंस टू एम्प्टी लगभग 110-120 के आसपास था, तब इसमें रिजर्व लग गया था और ब्लिंकिंग करना शुरू कर दिया। उसके बाद लगभग जब 40-50 किलोमीटर बचा तब, और जब इस कार का डिस्टेंस टू एम्प्टी 20 किलोमीटर हो गया, यहाँ पे जब 20 किलोमीटर शो कर गया था, उसके बाद से ये रिफ्यूल करने के लिए आपको कंटिन्यू ब्लिंक कर रहा है। तो आइए हम देखते हैं इस गाड़ी में एक बार फिर से हम टैंक फुल कराएंगे और इस टैंक फुल में कितना तेल जाता है और इसमें हमको कितना का माइलेज दिया और MID से वो कितना डिफरेंट है। 19.4 अभी यहाँ शो कर रहा है। फुल कर दीजिए। फुल कर दो। जी जी। इसमें देखते हैं कितना लीटर पेट्रोल जो है वो भी जाती है, क्योंकि ऑलमोस्ट एम्प्टी हो गया है। तो ये देख पा रहे हैं 32.27 लीटर जो है इसमें तेल आया, लगभग 3000 रुपये के आसपास का, और ये बिल्कुल नेक टू नेक नहीं है, थोड़ा सा ऊपर खाली ही रहा होगा, तो एक रफ आइडिया आपको इससे मिल जाएगा। आइए देखते हैं माइलेज निकाल कर इसका। ये आप देख पा रहे हैं कि मेरी कार का जो फ्यूल है वो पूरा फुल हो गया है, और यहाँ अगर हम डिस्टेंस टू एम्प्टी अभी चेक करें तो 593 शो कर रहा है, और यहाँ आप किलोमीटर देखें तो ट्रिप ए में जो है मेरा 567.5 किलोमीटर चला है, जो कि 32.27 लीटर फ्यूल में इतना किलोमीटर चला। इसको कैलकुलेट करेंगे अभी हम, और मेरी कार जो है अभी देख पा रहे हैं 6600 किलोमीटर चल चुकी है। तो यह इसका फर्स्ट सर्विसिंग हो गया है, और सेकंड सर्विसिंग जो है ऑलमोस्ट 10000 रुपये होता है, वो इसका बाकी है। आइए कैलकुलेट करते हैं इसको और जानते हैं कि इसका जो ट्रिप ए का माइलेज 19.4 शो कर रहा है, इससे कितना डिफरेंट है। तो मेरी कार जो है वो अभी 567 किलोमीटर चली है डिवाइडेड बाय 32.27। ये देखिए आप 17.5 का माइलेज यहाँ हमको शो कर रहा है, 17.57 का माइलेज शो कर रहा है। तो इसके टैंक टू टैंक माइलेज की बात करें तो 17.5 ऑलमोस्ट दे रही है ये मेरी कार, और यहाँ जो है डिजिटल मीटर पे वो शो हो रहा है 19.4, ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर जो है वो इसमें एक्स्ट्रा शो कर रहा है। यह जेन्युइन चीज़ है। और उसके अलावा अगर हम बात करें इस कार को 17.5 किलोमीटर पर लीटर एवरेज निकालने के लिए मैंने किस तरीके से राइड किया है, तो मैंने इसको बिल्कुल सॉफ्ट राइड किया है, 60-70-80 तक ही राइड किया है, इससे ज़्यादा नहीं करा था इसको। उसके बाद इसकी जो रनिंग हुई है वो ऑलमोस्ट 60% जो है वो हाईवे पे हुई है, जिसका रोड अच्छा था और कांस्टेंट स्पीड थी हमारी 60-70 के आसपास, और बाकी जो 40% है वो मेरा सिटी में हुआ, लोकल एरिया में हुआ है। तो 40% सिटी और 60% हाईवे पे मिलाने के बाद इसका 17.5 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज हमारे हाथ में आई। इसको आप चाहे तो थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं, वो ड्राइविंग एक्सपीरियंस के ऊपर, ड्राइविंग स्टाइल, ड्राइविंग हैबिट्स के ऊपर डिपेंड्स करता है। तो आपको इससे थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि यह कार का जो माइलेज है ऑलमोस्ट 15-20 किलोमीटर के आसपास रहने वाला है, और इसको अगर थोड़ा रफ यूज करेंगे, सिटी में ज़्यादा यूज करेंगे तो 15 तक वो चली जाएगी, और बाकी अगर इसको हम हाईवे पर यूज करेंगे ज़्यादा और या फिर और अच्छे से यूज करेंगे तो इसकी माइलेज जो है 20-20+, 22-23 तक जाती है। यह इसका जेन्युइन चीज़ है। लेकिन हाँ, अगर इसको ख़राब से राइड करेंगे तो आपको माइलेज जो है 10 तक भी चला जाएगा, यह भी इसकी रियलिटी है। हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि इसका रियली में माइलेज क्या है और किस तरीके से इसमें आप
राइडिंग करेंगे तो कितने तक आप माइलेज गेन कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक और नई और एक्साइटिंग वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया।